आप देख रहे हैं TNB। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कई कारणों की वजह से हमेशा चर्चे में बने रहते हैं, कभी उनके कपड़े तो कभी उनकी नई कार। यूं ही एक बार फिर से उनके काफिले में एक नई कार शामिल हो गई है। ये कार है मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड। ये बहुत ही सुरक्षित कार है। रिपोर्ट्स की माने तो कार पर ना गोली का कोई असर होता है और ना ही बम धमाके का कोई असर होता है। इसे पीएम मोदी की सफर के दौरान सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लाया गया है। जी हाँ, पीएम मोदी को नई मर्सिडीज मेबैक S650 में हाल ही में दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में देखा गया था। बता दें कि यहाँ पर वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी भारत यात्रा के दौरान मिलने आए थे। बताया जा रहा है कि कार VR10 लेवल प्रोटेक्शन देती है। ये किसी भी प्रोडक्शन कार में मिलने वाली उच्चतम स्तर की सुरक्षा है। इस कार में बता दें कि इसकी खासियत यह है कि AK-47 राइफल से किए गए हमले को भी नाकाम कर देती है। इसके साथ ही बस यही नहीं, 15 किलो TNT विस्फोट भी ये कार झेल सकती है। जी हाँ, ये कार 2 मीटर की दूरी से किए गए 15 किलो TNT विस्फोट को भी झेल सकती है। वही कार की विंडो पर अंदर से पॉलीकार्बोनेट की कोटिंग है। इसके साथ ही अंडर बॉडी को ऐसे तैयार किया गया है कि विस्फोट के दौरान भी इसके अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित रहे। बस इतना ही नहीं, हमले या इमरजेंसी की स्थिति में कार के केबिन में अलग से एयर सप्लाई भी दी जा सकती है। खबरों के अनुसार कार में 6.0 लीटर ट्विन टर्बो V12 इंजन है, जो 516 BHP मैक्सिमम पावर और 900 Nm पिक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार की टॉप स्पीड 160 KMPH बताई जा रही है। वहीं कार में स्पेशल रन फ्लैट टायर्स है, ताकि वो डैमेज या पंक्चर की स्थिति में भी रुके नहीं और कार चलती रहे। बता दें कि पीएम मोदी के काफिले में BMW 7 सीरीज हाई सिक्योरिटी एडिशन, लैंड रोवर, रेंज रोवर, वॉग और टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी कारें भी शामिल हैं। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।